पार्क बताना है आपको, दयालु जी टैंक तालाब भाई थी क्या है, और रेस्पिरेशन के मुताबिक आपको पार्क बताना है, डिफरेंस बताना है कि ब्रीथिंग क्या है और रेस्पिरेशन क्या है। ब्रीथिंग इट इज द फिजिकल प्रोसेस, ये फिजिकल प्रोसेस है ब्रीथिंग। ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन आपस में मुतरादिफ नहीं है, ये दूसरे के सिनोनिम्स नहीं है। इसकी वजह आपको बताते हैं, ब्रीथिंग एक फिजिकल प्रोसेस है या फिर एक मैकेनिकल प्रोसेस है। मैकेनिकल प्रोसेस बॉडी में होता है, जिस तरह हम सिंपल दौड़ रहे हैं, सांस लेना ब्रीथिंग है और एक्सपायरेशन ये भी सांस लेना होता है, तनफ्फुस होता है। लेकिन ब्रीथिंग में ये है कि जैसा कि हम दौड़ रहे हैं, हम ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम रिमूव कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हम बॉडी से खारिज कर रहे हैं। ब्रीथिंग ऐसे सिंपल प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस है या मैकेनिकल प्रोसेस है। लेकिन जो रेस्पिरेशन है ये भी तनफ्फुस है, सांस लेने का अमल है, लेकिन उससे थोड़ा सा प्रोसेस में मुख्तलिफ है। रेस्पिरेशन इट इज द फिजिकल प्रोसेस, ये एक फिजिकल प्रोसेस है। मैकेनिकल प्रोसेस है या इसके साथ, इसके अलावा एंड बायोकेमिकल प्रोसेस, ये बायोकेमिकल प्रोसेस है। इसमें बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं, बायोकेमिकल प्रोसेस है। यानी इसमें एक तो जिस्मानी चीज है, फिजिकल प्रोसेस है, और दूसरा इसमें बायोकेमिकल प्रोसेस मौजूद है। इसमें बहुत से रिएक्शन होते हैं, केमिकल रिएक्शन होते हैं। इसमें एक सीरीज ऑफ रिएक्शन होती है स्टेप बाय स्टेप। इसकी थ्री स्टेजेस हैं रेस्पिरेशन की, वो आपको बता दें। इसकी थ्री स्टेजेस हैं, थ्री स्टेप्स हैं रेस्पिरेशन के। इसमें जो पहला स्टेप्स है वो ग्लाइकोलाइसिस है, ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज की तौर पर। दूसरा जो स्टेप्स है वो क्रेब साइकिल है। एक हैंस क्रेब था, उसने ये साइकिल पेश किया था, क्रेब साइकिल है। इसके बाद एक तीसरा स्टेप्स है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, ATC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। ये तीन स्टेप्स हमारी बॉडी में होते हैं, रेस्पिरेशन में ये तीन स्टेप्स होते हैं। ग्लाइकोलाइसिस होता है, क्रेब साइकिल होता है, और ETC होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है। ये डिटेल में हम बाद में देखेंगे।